हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जयपैक बॉयज। एक और एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। और जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन पढ़ा, वी हैव बॉट अनदर कार। दिस इज वन ऑफ दोस कार्स जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं पहले बहुत बार ये गाड़ी रख चुका हूँ, तो काफ़ी ईजी होगा जो मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए जानना कि मैंने कौन सी गाड़ी खरीदी है। ठीक है, थोड़ी देर में आप सबको पता चली जाएगा। दिस इज़ अ वेरी रेयर कार। वैसे JDM स्पोर्ट्स कार कोई भी हो पाकिस्तान में रेयर ही होती हैं। दिखने में बड़ी छोटी होती है लेकिन ये होती है पॉकेट रॉकेट। ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है पॉकेट रॉकेट, लगता है बना ही इस गाड़ी के लिए। तो खैर, देर नहीं करते हैं, हम जो है अपनी डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं गाड़ी की, तो वहाँ पे चलते हैं। वहीं चल के मज़ीद बातें भी करेंगे और आपको गाड़ी के शॉर्ट्स भी दिखाएंगे। और अब आप कराची में हो, लाहौर में हो, या हो इस्लामाबाद में, या इवन पिंडी में, और घर बैठे मैकेनिक बुलाना चाहते हो, तो अब विजिट करें हमारी वेबसाइट www.mechaniconwheels.pk या विजिट करें हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज, और नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का। सो बॉयज, हियर वी आर एट फास्ट ऑटोमोबाइल्स, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो गाड़ी है जो हमने ली है। क्या आप सोच रहे हमने सिविक ली है या मीरा या टूसों, क्या लिया हो सकता हमने? आवाज़ आ गई, चलो चेक कराते हैं आपको हमने क्या लिया है। सो बॉयज, हम मौजूद हैं फास्ट ऑटोमोबाइल पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यासीन भाई। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई, व्यूअर्स की तरफ से चाहिए। मैं तो आपसे पहले ही मिल चुका था, तो हम DOCO साइन करने लगे थे और सब चीज़ें करने लगे थे, तो मैंने कहा उससे पहले मैं आपको यासीन भाई से मिलवाऊं, और यासीन भाई से हम पूछे कुछ सवाल। यासीन भाई मेरे बहुत अच्छे और पुराने दोस्त हैं, और यासीन भाई का स्पेशली नई गाड़ियों का काम है। बाकी हम यासीन भाई से पूछते हैं कि यासीन भाई किस तरीके की गाड़ियों का काम है और आप लोगों की कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। बताएं यासीन भाई किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास जो है ना वो बेसिकली हमारे काम को 9 साल हो गए हैं, 9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये, और तकरीबन 0 मीटर गाड़ियों पे हम लोग काम करते हैं, इंपोर्ट पे भी कर रहे थे लेकिन इंपोर्ट में अब कोई प्रॉब्लम्स आने लगी हैं और महंगा हो गया है, तो इस वजह से अभी इंपोर्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी 0 मीटर गाड़ी अगर आपको कोई भी चाहिए, कोई भी मतलब कोई भी अच्छे रेट्स में आपको मिल जाएगी, कम ऑन पे, मतलब मार्केट से कुछ कम पे, मार्केट से कुछ कम ऑन पे। ठीक है। अच्छा यासीन भाई, यार मुझे एक और चीज़ बताएं, स्पेशली आप ऑब्वियसली मार्केट के हैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा। राइट नाउ जो सिचुएशन है, पहले लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन कार्स, मतलब नॉर्मल पब्लिक। पहले तो आप और हम जिनका काम है वो महदूद थे ना इस चीज़ पे। जी जी। अब तो जो एक नॉर्मल बंदा है ना, जो इसके पास कुछ घर पे पैसे पड़े हैं, और देखें प्रॉपर्टी शायद 25-30 लाख रुपए में ना आए लेकिन एक ऑल्टो आ जाएगी, ऐसे ही है, और वो प्रॉफिट भी दे जाएगी बड़ी जल्दी। ठीक है, ये हर किसी का कॉन्सेप्ट बन गया है। तो यार मुझे ऐसा लगता है मार्केट फ्लड हो रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ज़मीन ले लो, घर ले लो, ये आपका एसेट है, लेकिन अब गाड़ी एसेट हो गया पाकिस्तान को लेकर, स्पेशली बाहर मुल्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कुछ टाइम का गेम है, बबल है, बबल है, कुछ टाइम का फटेगा ही फटेगा, ये बिल्कुल फटेगा कुछ टाइम बाद, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, ये फटेगा। लेकिन जितनी वैल्यू है ना गाड़ियों की उतनी नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड एक चीज़ है यार, एक 35 लाख रुपए की ऑल्टो, ये स्टार्ट हुई थी तो ये 12-13 लाख रुपए मैनुअल वाली है, मैनुअल। लेकिन अभी 35 लाख, 3.5 मिलियन यार, एक वर्टेबल पैसे हैं। 35 लाख रुपए में सिविक आती थी, करोला आती थी, और अब ये गाड़ी आप देखें ना, काम करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया यासीन भाई। उसके अलावा पर्टिकुलर मेरा रीज़न आपसे ये इस बारे में बात करने का ये है कि अगर मैं किसी ऑडियंस की हम लोग हेल्प कर पाएँ, जो लोग हैं ना जनरल पब्लिक, उसको लगता है कि हम गाड़ियों में पैसे इन्वेस्ट करेंगे बड़ा ईजी है, और अब बात यह आपको हमारा काम बल्क का रोस्ट है, ऐसे ही इनकेस बबल फट जाता है ना, बट हम लोगों के लिए वो नुकसान, एक्चुअल में नुकसान इतना खास नहीं होगा, नहीं है। लेकिन जनरल पब्लिक जो है ना, जनरल पब्लिक के लिए वो आप एक तरीके से कह लें कि जो बरसाती मेंढक है ना, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि यार एक बंदा जो इस टेन्योर में, इस बबल में 20 गाड़ियां बेच चुका है, और आपने दो बमुश्किल अपनी दूसरी गाड़ी पे हो, तीसरी गाड़ी पे हो, ठीक है, तो जितना आपने कमाया नहीं होगा ना, या तो जितना कमाया है वही गवा दोगे या उससे कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा ही गवा, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये एक मशवरा है, इसको समझें,
और इस बारे में बात करने का रीज़न ही यही था कि ये मुझे भी खुद भी मेरी अजम्पशन यही थी कि ये बबल है, और एक बंदा जो मार्केट में बैठा है और जो काम कर रहा है उसका भी यही कहना है, तो अब आप लोग भी समझदार हैं। खैर इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो गई, आप लोगों को कोई भी गाड़ी चाहिए हो तो आप फास्ट ऑटोमोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यासीन भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो हम अपने DOCO साइन करते हैं। और आपके रेफरेंस से कोई भी आएगा ना रेहान भाई, उसके लिए डिटेलिंग और इंटरक्लीनिंग मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब नई गाड़ी को भी और न्यू करके आप फुल रॉजर करके देंगे, मतलब ऐसे ही है। जैसे मतलब यूजली लोगों की ये कंप्लेन होती है कि मतलब अगर हम लोग गाड़ी आई हुई है और ना हम यहाँ से किसी भी शोरूम से ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे मतलब फिर खुद जाके एक बारी नई गाड़ी को और नया करने के लिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू करने के लिए उनको ख़ुद से एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, तो वो एफ़र्ट्स आपको नहीं करनी पड़ेंगी, मतलब आपको बिल्कुल ज़ीरो मीटर कंचा पीस ही मिलेगा ना, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग शोरूम से लेते हैं एक किसी 3S डीलरशिप से लेते हैं। तो थैंक यू यासीन भाई, अब आप मुझे मेरी गाड़ी मेरे हवाले करें, हवाले करते हैं। अच्छा उसके अलावा नीचे तो चल रहे हैं हम गाड़ियों के लिए, यासीन भाई मैं आपसे एक और बात पूछूंगा, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं जिनको यूज्ड गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, बिल्कुल हम क्या उनकी सोर्सिंग में भी आप हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सोर्सिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा हम जीरो मीटर गाड़ी में ही नहीं काम कर रहे हैं, हम लोकल गाड़ी में भी काम कर रहे हैं, यूज्ड गाड़ी में भी काम कर रहे हैं, जैपनीज़ गाड़ी में भी काम कर रहे हैं। आप हमको कोई इंक्वायरी देंगे इम्पोर्ट कराने के हवाले से तो हम उसको इम्पोर्ट करा के भी देंगे गाड़ी, ठीक है। तो इट्स लाइक स्पेशलिटी आपकी जो है वो जीरो मीटर गाड़ी है राइट नाउ की मार्केट के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा जो है वो एक जो ताजर होता है ना वो अपने आप को अगर वो फ्लेक्स नहीं करेगा ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एग्जैक्टली फिर बड़ा मसले में आ जाएंगे हम लोग ना। तो ये सीन है बॉयज, अब हम फाइनली आपको चलते हैं, चल के गाड़ी दिखाई देते हैं ना, ज़्यादातर साथे दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, पहले भी बहुत बारी मैं ख़रीद चुका हूँ ये गाड़ी और बेच चुका हूँ, फिर से ख़रीद रही है, और मेरा एक और भी मेरे पास अब सवाल आना शुरू हो जाएंगे, आप गाड़ी इतनी जल्दी लेते हैं और बेच देते हैं, तो भाइयों थिंग इज़ दैट मारखोर के अलावा मेरी जितनी गाड़ियाँ हैं कोई भी गाड़ी होती है उसके लिए आप मुझे अच्छी ऑफ़र देंगे तो इट्स ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। बात यह है कि हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं, उन्होंने एक बात सिखाई थी मुझे जो मैंने सीख ली है कि गाड़ियों से दिल लगाना छोड़ दो, और मैंने भी ये बात सीख ली आपसे, आपसे ये बात सीख ली है गाड़ी, जबकि इनका काम है शोरूम का, लेकिन इन्होंने भी अपनी कुछ चुनिंदा गाड़ियों से दिल लगाया हुआ था, इनकी दिल लगी हुई गाड़ी मैं इनसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, दिल लगाना छोड़ दिया, दिल लगाने वाला सिस्टम ऑफ है ब्रो, ऑफ है। चलते हैं अब हम आपको गाड़ी चेक करा ही देते हैं। देखो कमेंट में जो है ना वो मेरी नहीं लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ अब मैं ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ और गाड़ी छोटी है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, वेरी फन कार टू ड्राइव, और जितनी गुड लुकिंग ये है उतनी इस बजट में कोई भी गाड़ी नहीं हो सकती। यू कैन डू ड्रैग रेसिंग, यू कैन डू ड्रिफ्टिंग, यू कैन डू सर्किट रेसिंग, यू कैन डू एवरीथिंग विद दिस कार। तो उठा देते हैं। तो बॉयज दिस इज़ अ टोयोटा MR2 स्पाइडर, और दिस इज़ द कार वी हैव बॉट, 2ZZ मैनुअल, और बड़ा टाइम हो गया था ना, हमने कहा ज़रा चीज़ों को एक ज़रा स्टेप अप कर लें, क्योंकि बड़े मसले मसाई चल रहे थे। वेयर इज़ अवर 2ZZ मैनुअल MR2 स्पाइडर? हाँ ये कर लो पहले करो, फिर जॉब छोड़ दूँ फॉर यू गाइस। चेक करें कुछ सिनेमैटिक्स और फिर आप गाड़ी में चलते हैं, बैठते हैं, बाहर निकालते हैं और मज़ीद बातें करते हैं चलते चलते। Here we are in our newly bought Toyota MRS, और this is a 2ZZ swap manual car, और 2ZZ की जो आवाज़ होती है ना वो बहुत ही आला होती है, और ऐसे स्माइल दे देती है ना, मैं नहीं मानता। का कमाल, और जो पीछे कैमरा मैन है ना भाई, उनके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ चुकी है ना, तो
2ZZ की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ होती है, और जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी महसूस किया हो, तो जब लिफ्ट खुलता है, जैसे VTEC होता है होंडा की गाड़ियों में, इसमें लिफ्ट होता है, VVTi होता है, जब VVTi खुलता है तो गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल एग्रेसिव हो जाती है और चेंज हो जाती है ना। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, वेरी फन कार टू ड्राइव, लिटिल मॉन्स्टर, 1800cc इंजन होता है, 200 हॉर्स पावर होता है, तो वेरी वेरी फन कार टू ड्राइव। मेरा साइज बड़ा हो गया है, तो इस वजह से गाड़ी शायद छोटी लग रही हो, गाड़ी इतनी छोटी है नहीं अंदर से ना, गाड़ी अंदर से जो है वो साइज में जो है वो मतलब इनफ खुल ली है यार, फॉर द अमाउंट ऑफ पावर एंड एवरीथिंग कार इज गुड। कट करो, चल रही है रील की शूट, बड़ी मेहनत होती है यार कंटेंट के पीछे। इन बॉयज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, दीज पीपल, और इनका जो काम है वो बहुत अमेजिंग है, आप लोगों को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा वो काम मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, तो दे डिज़र्व अ सब्सक्राइब। सो बॉयज जो हमारे बॉयज़ हैं वो कह रहे थे वीडियो शूट, तो हमने किया, हमें पता था, उन्होंने कहा आधा पौना घंटा और लग जाएगा, तो हमने कहा हम जाके अफ्तारी ले आते हैं, अफ्तारी हमने ले ली है, अब तो वापस हम जा रहे हैं उनके पास, चलते हैं अफ्तारी करते हैं, बाकी सीन दिखाते हैं और फिर हम करेंगे वीडियो का एंड। चलो भाई निकालो, अफ्तारी निकालो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बॉयज़, ये हमारी MRS, अब हम करते हैं अफ्तार बॉयज़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी MRS बहुत पसंद आई होगी, अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट कीजिएगा और भाई को रखिएगा दुआओं में याद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, दूर से कहीं मुझे अजान की आवाज़ आ रही है, तो अब हम करते हैं अफ्तारी। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।